हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए अब हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के अटैक से अपने मोबाइल को आप कैसे बचाएं। बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है हमारे संवाददाता रक्षित सिंह की, देखिए। जब कोरोना वायरस से बचने के लिए आप तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं, तो आखिर ऐसे में जो आपका फोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, आखिर उसको किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए और उसको किस तरीके से कोरोना वायरस फ्री रखा जाए। स्मार्टफोन को साफ करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक वाइप की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक ये वाइप लिया है और अब इससे हम अपने फोन को साफ करते हैं। तो इससे वाइप से होगा क्या, दरअसल के जो 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाले वाइप्स हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से जब आप अपने फोन को साफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो डस्ट है वो यहाँ पर आ गई है और इसके साथ साथ फोन की स्क्रीन को कोई इससे डैमेज नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इसके बाद में आपको लेना है माइक्रोफाइबर क्लोथ और यहाँ पर जैसे किसी ब्रांड का आपके पास हैंड रब होगा तो हैंड रब को थोड़ा सा इस पर डाल सकते हैं। आगे क्या है? क्योंकि इसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इसके बाद में आपको लेना है माइक्रोफाइबर क्लोथ और यहाँ पर जैसे किसी ब्रांड का आपके पास हैंड रब होगा तो हैंड रब को थोड़ा सा इस पर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास माइक्रो फाइबर क्लोथ ना हो तो कोई साफ सुथरा घर पर पड़ा हुआ कपड़ा ले सकते हैं और इसकी जरूरत पड़ेगी आपको जो फिंगरप्रिंट स्मजेज हैं उनको साफ करने के लिए। एक और उपाय है फोन को साफ करने का और वो है कि आपके फोन में जो लगी हुई डस्ट होती है उसको किस तरीके से साफ किया जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये टेप ली है। आप भी इसी तरीके से टेप ले सकते हैं और टेप को आपको इस तरीके से फोन पर चिपकाना है। अब इससे होगा क्या, जो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स हैं वो टेप पर चिपक जाएंगे और जब हम इस टेप को यहाँ से हटाएंगे तो वो माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स टेप के साथ बाहर आ जाएंगे। तो हमारे सहयोगी रक्षित सिंह की ये बहुत खास रिपोर्ट आपने देखी और ये अब हम लोग भी इस्तेमाल में लाने वाले हैं क्योंकि हम लोग भी फोन्स को लेकर बहुत केयरलेस हो जाते हैं कई बार। देखिए अब अगली एक रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं। किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम हो तो उसे या तो खुद शक होता है या दूसरे लोग उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं कि कहीं इसे कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे में आपको गाजियाबाद के डॉक्टर अंशुल वार्ष्णेय की बात सुननी चाहिए। इस वायरल वीडियो को सुनकर आप भी समझ सकते हैं कि कोरोना के लक्षण आखिरकार है क्या। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफरेंशिएट करो कि आपको कोरोना है या नहीं है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ खांस रहे हो, बस ये केवल पॉल्यूशन कफ है, केवल प्रदूषण से हो रहा है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक भरी है, ये आपको एलर्जिक कफ है। ठीक, यदि आपको नाक भरी है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है या नॉर्मल वायरल जिसमें कहते हैं वायरल हो गया आपको ठीक हो, ये वो भी हो सकता है, ये कोरोना वोरोना नहीं हो सकता। अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और खांसी सूखी और तेज बुखार है तो ही ये कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो, तो उसे पैनिक करना बंद करिए। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।